टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 110 किलोमीटर की रफ्तार से जब पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तो स्टेशन ही भर भरा कर गिर गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन का है। बुधवार को इस स्टेशन से जब पुष्पक एक्सप्रेस 110 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरी तो ये स्टेशन का भवन रफ्तार का कंपन नहीं बर्दाश्त कर सका और गिर गया। जहां एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन जैसे तेज स्पीड वाले ट्रेनें शुरू करने की बात की जा रही है, वहीं पर तेज रफ्तार की कंपन स्टेशन न बर्दाश्त करने की वजह से गिर जा रहे हैं। ऐसे में ये हादसा एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि स्टेशन बनाने वालों को लेकर कि किस तरह से और किस मटेरियल से इस स्टेशन को बनाया गया था। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ देर तक ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, मगर अब पूरे घटना पर जांच की बात की जा रही है। क्या हुआ है कि जो बिल्डिंग बनी थी, बिल्डिंग में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्डिंग का जो बाहर वाला जो छज्जा था ना जी, वो गिरी है और उससे कोई बिल्डिंग कोई हताहत नहीं है, किसी को चोट नहीं आई है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। अंदर का कोई नुकसान नहीं है? ऐसे अंदर में कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की कोई हताहत नहीं हुई है और किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई है। ओनली थिंग कि अभी हम लोग का जो ऑपरेशन हो रहा है वो हम लोग बाहर से कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे हैं, और इसको ठीक ठाक करने के बाद फिर अंदर से करेंगे। सर, यातायात के प्रभावित हो रहा है इससे? यातायात वहाँ प्रभावित हो रहा है क्योंकि अंदर के पैनल से ऑपरेशन नहीं हो रहा है, पैनल बाहर से ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रभावित है और ये भी शीघ्र हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। सर, आपके GRP स्टाफ ने जो है पत्रकारों को कवरेज करने से रोका है, ऐसा क्यों? नहीं, वो इसलिए जो कॉम्पिटेंट रहे वो वही बोल सकते हैं। हमारे जो डिवीजन में जो कमर्शियल ऑफिसर है ना सीनियर DCA में, ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू दिए इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो और सभी लोग को अथॉरिटी नहीं दी गई है बात करने के लिए, जो कॉम्पिटेंट आदमी है वही।